कहते हैं अगर हौसला हो तो मंजिल करीब आ जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के विद्यानगर स्थित काइमर्स्ट डिवाइन कोचिंग संस्थान में इंटर कोर्स कर रहे 100 छात्र छात्राओं ने। इस वर्ष के इंटरमीडिएट की परीक्षा में सभी ने बेहतर अंक लाकर जयनगर प्रखंड का नाम रोशन किया है। प्राचार्य एस के कारक ने बताया कि यहां इंटर कोर्स के लिए 100 छात्र छात्राएं कोचिंग कर रहे थे। 100 में से 70 छात्र छात्राओं ने प्रथम स्थानों में बेहतर प्रतिशत प्राप्त किया, जबकि अन्य छात्रों ने भी प्रथम स्थान पर भी बेहतर प्रदर्शन कर अपने आप को कुछ करने की हिम्मत जुटाने का काम किया है। उक्त कोचिंग संस्थान में पठन पाठन करने वाली छात्र छात्राएं जयनगर के ही हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में बेहतर प्रदर्शन करने पर खासकर छात्राओं का हौसला कुछ करने की है। बेहतर अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं ने कहा कि बीते साल कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन अवधि में प्राचार्य एस के कारक का अहम योगदान रहा। उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी छात्रों को घर से ही ऑनलाइन कोर्स कराया, जिसका परिणाम आज आप सबके सामने है। ऑनलाइन क्लास में भी प्राचार्य ने बेहतर शिक्षा देने का काम किया। हम शीतल बोल रहे हैं और हम बहुत खुश है कि आज इंटर का रिजल्ट निकला है तो मेरा बहुत अच्छा नंबर आया है और इसके पीछे सर भी बहुत मतलब अच्छे से पढ़ाए हैं, जिसकी वजह से इतना अच्छा नंबर आया है और पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है। थैंक यू सो मच। अगला लक्ष्य क्या होगा, कहाँ आप जाना चाहेंगे? हम बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं। कि आज जो है जयनगर के बच्चे, खासकर जो कॉमर्स स्टडी पॉइंट के जो बच्चे हैं, उन्होंने अपने मेहनत लगन के बल पर आज जयनगर के नाम रोशन किए हैं और हम यही चाहते कि जयनगर के बच्चे जो है शिक्षा के महत्व को समझे और यदि वह शिक्षा के महत्व को समझेगा तो वो अपने जीवन में सफल हो सकता है और बहुत बहुत ही हम हैप्पीनेस एंड खुशी महसूस करें ऑन द ईव ऑफ होली। सफल छात्र छात्राओं को अगला रणनीति क्या बताएंगे, क्या उद्देश्य देंगे उसको, क्या बने, कैसा पढ़ाई करें? हम जो सफल छात्र छात्राएं, हम उनको यही कहेंगे कि वह या तो मेहनत करके सीए सीएस के क्षेत्र में जाए या बैंकिंग के सेक्टर में जाए, क्योंकि कॉमर्स में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। यदि वो अपने मेहनत के बदौलत जिस भी क्षेत्र को चुने, वो अपने लक्ष्य प्रति डिटरमाइंड रहें और सफलता प्राप्त करें। कोरोना काल था, करीब करीब 2 साल लॉकडाउन की अवधि भी रही, सरकार का कुछ गाइडलाइन था, उस मुताबिक आप किस जरिए आप बच्चों को शिक्षा दिए? कोरोना काल में भी हमने बच्चे को पढ़ाना ऑनलाइन के जरिए, मोबाइल के जरिए हमने कंटिन्यू रखा था और हमने हमेशा फोकस किया कि बच्चा का जो है रिजल्ट खास के बढ़िया हो और इसके लिए हमने पढ़ाई के प्रति समर्पित होकर हमने टाइम पे सिलेबस खत्म किया। पिछले वर्ष भी आपके कोचिंग सेंटर से बहुत सारे छात्र छात्राएं बेहतर प्रदर्शन किया था। केवल पिछले वर्ष नहीं, इवन आज 7-8 साल से मेरे कोचिंग के बच्चे हर एक साल प्रखंड लेवल पर व डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अव्वल आ रहा है। क्या सुनना है? मुझे 436 मार्क प्राप्त हुआ है कॉमर्स में और इसका श्रेय मैं सर एस के कारक सर को देना चाहता हूँ, कॉमर्स स्टडी पॉइंट, जिनकी बदौलत मुझे इतना नंबर आया है और उन्होंने बहुत मेहनत किया है कोरोना के ऐसे जटिल घड़ी में भी हमको पढ़ाया और हमें मतलब हमारा सिलेबस कंप्लीट करा के कंटिन्यूस टेस्ट लेके और इस मुकाम तक पहुंचाया। अगला मकसद क्या होगा? मेरा अगला मकसद CPT एग्जाम क्लियर करने पर होगा, चाहूँगा कि हो जाए क्लियरेंस। सोच ऊँची। हमको इतना अच्छा नंबर आया है, इसके पीछे कारक सर का योगदान है। हम स्टडी कॉमर्स स्टडी पॉइंट से पढ़ते हैं और यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए बहुत खुशी महसूस हुआ। थैंक यू सो मच। आगे का लक्ष्य क्या होगा? आगे का लक्ष्य बैंकिंग वर्मा है। मेरा अच्छा नंबर आने के लिए मतलब हम से देते हैं सर को, मतलब जहाँ हम पढ़ते हैं ऐसे कारक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब हम बहुत खुश हैं कि मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया है। मतलब हम बिलीव नहीं किए थे इतना अच्छा मेरा आ सकता है, लेकिन सर हमको इतना अच्छा पढ़ाया कि उसकी वजह से मेरा अच्छा आया है। थैंक यू। इसके लिए किसको किसका योगदान होगा? इसके लिए मेरे सर हो गए, मेरे पेरेंट्स हो गए। कॉमर्स स्टडी पॉइंट से मैं साक्षी गुप्ता बोल रही हूँ। कॉमर्स स्टडी से मुझे 429 मार्क्स आए हैं। यहाँ पे मेरे पेरेंट्स के और पेरेंट्स को नमस्ते करते हैं और टीचर को योगदान है मेरे पीछे, वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगला लक्ष्य क्या होगा आपका? बैंक मैनेजर बनना।